दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है, इससे आप गर्मी के प्रकोप से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। सरकार ने भी गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है, इस पर देखें एक खास रिपोर्ट। देश भर में गर्मी से हाहाकार, गर्मी लोगों को कर रही हलकार, लोगों का बाहर निकलना हो रहा दुश्वार, अस्पतालों में बढ़ रहे हीट स्ट्रोक के मरीज, धूप की तपिश से हर कोई परेशान है, आसमान में चढ़ते सूरज की आग से लोग झुलस रहे हैं, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हरियाणा सहित अन्य राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के कई जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम की चपेट में आने से लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में लगातार दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन के मरीज पहुंच रहे हैं। ये फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है। ओपीडी के अंदर मरीजों की भीड़ लगी है। ये मरीज हीट वेव की चपेट में आकर डिहाइड्रेशन की चपेट में आ गए, उल्टी दस्त से परेशान है। हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी अलर्ट पर है। आउटडोर के अलावा इमरजेंसी में इलाज को पहुंचने वाले मरीजों को पीएचसी में उपलब्ध सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए बकायदा अलग वार्ड बनाया गया है। गर्मी इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ रही है पहले से, और ऐसे में मैं कहूंगी कि लोगों को कि बेवजह, तो सबसे पहले बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यदि आवश्यक है काम पर जा रहे हैं तो ही निकलें, या कोई और मतलब अपनी नौकरी पे जा रहे हैं या कोई और व्यवसाय के कारण नहीं तो, या किसी और अन्य आवश्यक कार्य से जा रहे हैं तो ही निकलें। बेवजह बाहर धूप में न निकलें, और जब निकलते हैं तो अपना अच्छे से बचाव रखें, या तो गाड़ी में हो या फिर छतरी वगैरह लेके चलें, सूती कपड़े पहने पूरे बांह का हो, पूरी जो पूरा अच्छे से सूती और लूज खुला कपड़ा हो, पानी साथ में लेकर चलें, और सारा दिन जो है बार बार फ्रीक्वेंटली थोड़ा पानी, खरबूज या तरबूज, ये ऐसे फल जो है पानी वाले, या शिकंजी, लस्सी, ये इन सब का सेवन अधिक करें। हीट वेव से बचाव के उपाय, धीरे धीरे खूब सारा पानी या फलों का रस पिएं, पंखे या एयर कंडीशनर से ठंडक पाएं, त्वचा पर ठंडा पानी छिड़कें या ठंडे पानी से स्नान करें, बगल, कमर या गर्दन के नीचे ठंडी पट्टी रखकर शरीर का तापमान कम करें, शरीर में ऐंठन को कम करने के लिए मालिश करें, फिर बर्फ पैक का उपयोग करें। बढ़ती गर्मी से किसान भी परेशान है। चिलचिलाती धूप से फसल बर्बाद हो रही, वहीं कई इलाकों में बिजली कट भी ज्यादा हो रहा। ग्रामीणों की माने तो पूरे दिन में बिजली बस 2 या 3 घंटे आती है। ऐसी गर्मी से बिना बिजली के जीवन यापन करना बड़ा ही दुखदाई होता जा रहा है। जीवन तो बहुत ज्यादा खराब यापन हो रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, ना निकलने का मन करता, और बच्चों की तबीयत खराब चल रही है। लाइट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 8-10 घंटे लाइट आती नहीं है। भाई साहब, गर्मी ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं देखा, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है। आज से पहले कभी इतनी तगड़ी गर्मी नहीं पड़ी, और इतनी तगड़ी पड़ रही है। धूप में देखो कोई चल भी नहीं रहा है, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है। ना लाइट आवे, लाइट आ रही है 24 घंटे में, 4 घंटे लाइट आ रही है। फसल बेकार हो रही है, फसल भी नहीं है, बेकार लाइट है, पानी वानी कैसे लगा है। गर्मी ज्यादा, बहुत ज्यादा। भीषण गर्मी से इंसान, पशु, पक्षी सभी परेशान है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। सुबह 9 बजे से इतनी तेज धूप पड़ती है कि लगता है झुलस ही जाएंगे। ऐसे में गर्मी से बचना है तो विशेष सावधानी बरतें। तेज गर्मी आपको और आपके परिवार को बीमार कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी गर्मी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। गर्मी में खास तौर से खान पान का खास तौर पर ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।